अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज हम लोगों का लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है, और आज हम लोगों ने डिस्कस करना है ग्रुप नंबर 18 को। ग्रुप नंबर 18 है हमारे पास नोबल गैसेस। इस पूरे चैप्टर में हमने जो टॉपिक पढ़ने हैं सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं, पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं करना। तो नोबल गैसेज आपको पता कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये हमारे पास नोबल गैसेज हैं। ठीक है जी, इस टॉपिक के, इस चैप्टर के अंदर से हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है सिर्फ ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स। ज़ीनॉन जो नोबल गैसेज का एक मेंबर है, ज़ीनॉन, उसके जस्ट हमने फ्लोराइड्स पढ़ने हैं, और उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेज के यूजेस पढ़ने हैं। इस चैप्टर में से हमारा सिर्फ यही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने डिस्कस करने हैं। तो ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स पढ़ने हैं, और दूसरा हमने तमाम नोबल गैसेस के यूजेस पढ़ने हैं। तो लेक्चर छोटा सा है आज हमारा। ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स क्या होते हैं? फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन। ज़ीनॉन के फ्लोराइड कब बनते हैं? जब हम ज़ीनॉन को रिएक्ट करवाते हैं फ्लोरीन के साथ, लेकिन डिफरेंट रेशियोज में। मतलब अगर ज़ीनॉन को आपने फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, एक बार आप इसकी कंसंट्रेशन कम रखें, एक बार ज़्यादा कर दें, एक बार ज़्यादा, मतलब दोनों की रेशियोज़ को चेंज करते जाएं, तो डिफरेंट स्टिशोमेट्रिक रेशियोज़ के अंदर जब आप ज़ीनॉन को फ्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं, तो आपके पास ज़ीनॉन के तीन तरह के फ्लोराइड्स प्रिपेयर होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? एक है जी ज़ीनॉन का डाइफ्लोराइड, एक होता है आपके डाइफ्लोराइड, एक आपके पास होता है ज़ीनॉन का टेट्राफ्लोराइड, और लास्ट एक आपके पास आता है ज़ीनॉन का हेक्साफ्लोराइड। ये तीन तरह के ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और इजीली इनको सुब्लिमाइन किया जा सकता है। सुब्लिमाइन का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तीन तरह के इसके ज़ीनॉन के फ्लोराइड हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, वही क्राइटेरिया है। पहले एक लेंगे, इसकी प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज़, फिर इसकी प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज़, फिर इसकी प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज़, सिर्फ ये टॉपिक है, और उसके बाद नोबल गैसेस के यूजेज हैं, तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज़ीनॉन का डाइफ्लोराइड ऑफ ज़ीनॉन। ज़ीनॉन का डाइफ्लोराइड है हमारे पास XeF2। डाइफ्लोराइड ऑफ ज़ीनॉन, या मैं इसको इतनी बड़ी हेडिंग जो लिख दी है, सिंपल हम लिख देते हैं जी XeF2। हम पहला कौन सा पढ़ने लगे हैं? ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। सबसे पहले हमने इसकी क्या पढ़नी है? प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन हम इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? पहला मेथड है जी आपके पास इसको प्रिपेयर करने का, दो मेथड हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है आपके पास, अगर आप ज़ीनॉन को रिएक्ट करवा दो, अगर आप ज़ीनॉन को रिएक्ट करवाओ किसके साथ? डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। अगर आप डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड के साथ ज़ीनॉन को रिएक्ट करवा दो, किस टेम्परेचर पे? -118 डिग्री सेल्सियस पे। कंडीशन बच्चों आपने याद रखनी है ध्यान से। हम पहला इसका प्रिपरेशन का मेथड कर रहे हैं, और वो मेथड क्या है? जब आप ज़ीनॉन को रिएक्ट करवाओगे किसके साथ? डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड के साथ, किस टेम्परेचर पे? -118 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपके पास बन जाएगा ज़ीनॉन का डाइफ्लोराइड, और साथ में ऑक्सीजन लिब्रेट हो जाएगी। ये इसका प्रिपरेशन का पहला मेथड है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको एक और मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हो, और वो मेथड किस तरह से है? इट कैन बी ऑब्टेन बाय इरेडिएटिंग अ मिक्सचर ऑफ ज़ीनॉन एंड फ्लोराइड। अगर आप ज़ीनॉन और फ्लोरीन को रिएक्ट करवाते हो, लेकिन आप सिर्फ इसको रिएक्ट नहीं करवा रहे हो, आप क्या करोगे? आप इस मिक्सचर को इरेडिएट करोगे, और इरेडिएट किससे करोगे? आप यहाँ पे यूज़ करोगे जी मरकरी लैम्प की जो लाइट होगी, उस लाइट से आपने इस मिक्सचर को इरेडिएट करना है, और जब ये मिक्सचर इरेडिएट हो जाएगा तो आपको प्रोडक्ट में ज़ीनॉन का डाइफ्लोराइड मिल जाएगा। समझ आ गई बच्चों? पहला मेथड है ज़ीनॉन को डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से सिंपल रिएक्ट करवाएं, -118 पे आपके पास ज़ीनॉन का डाइफ्लोराइड बन जाएगा।
सेकंड मेथड है आपके पास, अगर आप ज़ीनोन और फ्लोरीन के मिक्सचर को इरेडिएट करवाओ मर्करी लैंप की लाइट के साथ, तो आपके पास ज़ीनोन का डाइफ्लोराइड बन जाता है। ठीक हो गया, ये दो इसके प्रिपरेशन के मेथड है, इसको मैं रेस कर रही हूँ। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रिपरेशन को हटा दिया, अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी, एक तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि तीनों फ्लोराइड जो है वो कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो ये तो इसकी कॉमन इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके अलावा आपने जो याद रखना है वो है इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 140 डिग्री। 140 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी आप कंसीडर कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी है जी, जो ज़ीनोन के फ्लोराइड हैं, तीनों ही फ्लोराइड एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं, एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो फ्लोरीन को ऐड करवा सके किसी भी कंपाउंड में, तो उसे कहते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो ये तीनों ही अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, लेकिन इसकी जो पावर है वो इंक्रीज करती है डाई ट्रेट्रा देन हेक्सा। हेक्सा फ्लोराइड बेस्ट फ्लोरिनेटिंग एजेंट है इन तीनों में से, लेकिन हम तीनों की फ्लोरिनेटिंग एजेंट पावर जो है वो देखेंगे एग्जांपल के साथ कि ये किस किस को, ये काफ़ी सारे कंपाउंड को फ्लोरिनेट कर सकते हैं, मसलन इथीन को, बेंजीन को, प्रोपीन को, नाइट्रोसो को, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड है उसको, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, इन सब को ये क्या कर सकता है, फ्लोरिनेट कर सकता है। ठीक है, तो मैं दो एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ NO और NO2 की। हम इसको फ्लोरिनेट करवाना चाहते हैं, तो मैं यूज़ करूँगी फ्लोरिनेटिंग एजेंट जो कि है ज़ीनोन का डाइफ्लोराइड। तो जब मैं ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, NO भी फ्लोरिनेट हो जाएगा, F ऐड हो जाएगा, और NO2 भी फ्लोरिनेट हो जाएगा, और साथ में आपके पास दोनों केसेस में क्या होगा, ज़ीनोन सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ज़ीनोन एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, ये बहुत सारे कंपाउंड लाइक इथीन, बेंजीन, प्रोपीन, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सबको क्या कर सकता है, फ्लोरिनेट कर सकता है। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर सिर्फ दो कंपाउंड लिखे हैं, NO और NO2, लेकिन ये बाकी सबको भी फ्लोरिनेट कर सकता है। ठीक हो गया जी, थर्ड प्रॉपर्टी है जी इसकी, ये दो रेज कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो ज़ीनोन के डाइफ्लोराइड होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब देंगे, जब इनके साथ कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटोनिक एसिड आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, लाइक अभी जो हम पढ़ के आए हैं परक्लोरिक एसिड HClO4, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। तो जब इस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ज़ीनोन के डाइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आते हैं। याद है ना, सेकेंड ईयर में बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं कि एक चीज़ निकल के दूसरी उसकी जगह ले ले, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ज़ीनोन डाइफ्लोराइड भी सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, कब, जब उनके साथ कोई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आके रिएक्ट करता है, तब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे ये ज़ीनोन फ्लोराइड डाइफ्लोराइड है, यहाँ से फ्लोराइड यहाँ से इसके साथ सब चेंज हो जाएगा, यहाँ से फ्लोरीन निकल गया और इसकी जगह क्लोरेट आ जाएगा, परक्लोरेट आ जाएगा, तो हमारे पास जो F है वो H के साथ मिलके क्या बना देगा, HF। तो इन दोनों की जो जगह है वो क्या हो गई, वो रिप्लेस हो गई है। ठीक है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि ज़ीनोन के साथ पहले फ्लोरीन था, अब परक्लोरेट ने उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया है, तो ज़ीनोन डाइफ्लोराइड जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं। इसके अलावा जो ज़ीनोन डाइफ्लोराइड हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को प्रूफ करना होगा एग्जांपल देके। तो ये बहुत सारे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अगर ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद क्या हो जाएंगे, खुद ये रिड्यूस हो जाएंगे। तो बहुत सारे कंपाउंड हैं, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ हाइड्रोजन की और क्लोराइडाइन की, ठीक है। और हम इसको क्या करवाने लगे हैं, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ज़ीनोन डाइफ्लोराइड। अच्छा बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे Cl नेगेटिव लिखा है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको HCl भी लिख सकती हूँ। Cl नेगेटिव ये तभी बनेगा जब H निकला है,
तो एच सी एल लिख लो या सी एल नेगेटिव लिख लो, एक ही बात है। मैंने सी एल नेगेटिव लिखा है, एच सी एल भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सी एल उधर से ही आना है, एच जब निकल जाएगा। अब मैंने एग्जाम्पल तीनों के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग पावर प्रूफ करनी है ना, एग्जाम्पल मैं यही लूँगी, एक हाइड्रोजन की और दूसरी क्लोरीन की। तो ये क्या करेगा, ज़ीनोन डाइफ्लोराइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब हाइड्रोजन की ये ऑक्सीडेशन करवा देगा और खुद क्या हो जाएगा, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की जब ये ऑक्सीडेशन करवाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, इसको कर देगा एच एफ में, ठीक है। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, ज़ीरो, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस वन। तो इसकी क्या हो गई है, ज़ीरो से प्लस वन में चला गया, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, ठीक है। और ये जो एक्स एफ था, ये फ्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा तो बाकी सिर्फ ज़ीनोन रह जाएगा। मैंने जितने भी रिएक्शन लिखे हैं, कोई रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया, आप बैलेंस कर सकते हो, ईजी सा ही है, किसी के साथ टू है और किसी के साथ फोर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहीं से साफ अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ से दो हाइड्रोजन थे ना, तो ये देखो दो दो एच और दो एफ हो गए, बाकी एक ज़ीनोन बचा हुआ यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे ज़ीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर था प्लस टू, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, प्लस टू, और यहाँ पे कितना हो गया, ज़ीरो। तो ये प्लस टू से ज़ीरो में गया, इसकी क्या होगी, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसने दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा दी और खुद इसकी क्या होगी, रिडक्शन, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले एग्जाम्पल में भी अगर आप देखो तो सी एल की ये क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन, ये सी और इसको चेंज कर देगा सी एल टू गैस में, जिसका इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन है और इसका ज़ीरो है, और खुद इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन, और वो ज़ीनोन में चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और यहाँ तक ये चार प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने करवा दी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने बताई जी कि ये सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट इसका 140 होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने बताई कि ये एक गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, बहुत सारे कंपाउंड को फ्लोरिनेट कर सकता है। थर्ड पे हमने बताया जी कि ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और उसकी एग्जांपल हमने देखी। फोर्थ पे हमने बताया जी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अच्छे होते हैं और इन एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे ये दो करके भी दिखाया, ये इस हाइड्रोजन और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन करवाई। तो अब नेक्स्ट है जी हमारे पास डाइफ्लोराइड तो हो गया, अब बात करते हैं आगे टेट्राफ्लोराइड की। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स ई एफ फोर, ज़ीनोन का टेट्राफ्लोराइड। तो टेट्राफ्लोराइड सबसे पहले इसका हम क्या देखेंगे जी, प्रिपरेशन मेथड सबसे पहले देखेंगे इसका भी। तो इसको प्रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं, अगर आप ज़ीनोन और फ्लोरीन का मिक्सचर लो, ज़ीनोन और फ्लोरीन का मिक्सचर लो एक फिक्स क्वांटिटी में 5:1 में, और इस मिक्सचर को आप हीट करो, हीट आपने करना है 400 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। प्रेशर आपने रखना है 6 ATM। इसके अलावा आपने यूज़ करनी है निकल वेसल। अगर इस कंडीशन पे आप ज़ीनोन और फ्लोरीन के मिक्सचर को हीट करते हो तो आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, ज़ीनोन का टेट्राफ्लोराइड। ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ ज़ीनोन एंड फ्लोराइड। और किस टेम्परेचर पे हीट अप करना है, एट 400 डिग्री सेल्सियस 6 ATM प्रेशर, और निकल वेसल की मौजूदगी में आप जब इसे हीट करोगे कुछ घंटे के लिए, ठीक है, चंद घंटों के लिए आप इसे हीट करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ज़ीनोन का डाइफ्लोराइड। तो एक ही इसका प्रिपरेशन मेथड आपने याद रखना है। और नेक्स्ट इसके बाद आ जाती हैं जी इसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी वो तो सबकी कॉमन है कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और इजीली सुब्लिमाइन किए जा सकते हैं। ये तीनों की कॉमन प्रॉपर्टी है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इजीली सुब्लिमाइन किया जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट सबके डिफरेंट है, डाइफ्लोराइड का 140 था और इसका 117 होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, 117 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी है जी सब पहले भी देखी, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। तो जिस तरह डाइफ्लोराइड एक फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, जो टेट्राफ्लोराइड है वो भी एक फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। तो उसको भी प्रूफ करके देखते हैं, वही एग्जांपल लूँगी जो डाइफ्लोराइड में ली थी, लाइक NO और NO2, ठीक है। मैंने एग्जांपल सेम इसलिए रखी है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। पहले हमने सिर्फ ज़ीनोन का डाइफ्लोराइड लिया था, अब सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, F4 ले रहे हैं, टेट्राफ्लोराइड ले रहे हैं। बाकी रिएक्शन कोई चेंज नहीं होगा, ये भी इथीन, प्रोपीन, बेंजीन,
सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी, इन सबको क्या कर सकता है, फ्लोरीनेट कर सकता है। तो मैंने जो डाइफ्लोराइड में एग्जांपल ली, वही मैं टेट्राफ्लोराइड में भी ले रही हूँ। तो जब ये इसे फ्लोरीनेट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये भी फ्लोरीनेट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास ये भी फ्लोरीनेट हो जाएगा, ठीक है। और साइड में आपके पास क्या, ज़ीनोन सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे भी वही बना है और डाइफ्लोराइड में भी यही था। फ़र्क कहाँ पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ इनको बैलेंस करने में। यहाँ पे फ्लोरीन है, फोर है, तो यहाँ पे फोर लगेगा। डाइफ्लोराइड में यहाँ टू था तो यहाँ टू लगना था। जैसे इनको बैलेंस करते हुए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनके जो है वो डिफरेंट आएंगे, बाकी इनके प्रोडक्ट सारे सेम आएंगे। जिस तरह डाइफ्लोराइड था, इसी तरह टेट्राफ्लोराइड भी गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और अच्छा एजेंट होता है। तो इसको भी ऑक्सीडाइज करने के लिए मैं एग्जांपल इसकी भी वही लूँगी जो पीछे ली थी। हमने किस किस को ऑक्सीडाइज किया था, हाइड्रोजन को और Cl नेगेटिव को। मैं फिर बता दूँ, Cl माइनस लिख लो या HCl लिख लो, एक ही बात है। पहले हमने ज़ीनोन का डाइफ्लोराइड लिया था, अब टेट्राफ्लोराइड लेंगे, ठीक है। होना तो ऑक्सीडेशन ही है और ख़ुद इसने रिड्यूस होना है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके किस में चेंज हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट जो पीछे बनाया था हमने, और वो क्या था, ये HF में चेंज हो जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, Cl2 में। और खुद इसकी रिडक्शन किस में हो जाएगी, ज़ीनोन में। और आपको कैसे पता चलेगा, इनके ऑक्सीडेशन नंबर से। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे इसका प्लस 1, मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन ज़ीनोन यहाँ पे प्लस 4 है और यहाँ क्या हो गया, 0, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन। सेम यहाँ पे ये माइनस 1 है, 0, इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे प्लस 4 है और 0 हो गया, खुद की क्या होगी, रिडक्शन। तो एग्जांपल मैंने इसलिए सेम रखी है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो थर्ड प्रॉपर्टीज की होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फोर्थ रिएक्शन आपके पास, फोर्थ प्रॉपर्टीज की क्या है जी, जो थर्ड और ये है फोर्थ, फोर्थ पे क्या है जी, ये ज़ीनोन से भी रिएक्ट कर सकता है। ज़ीनोन से मतलब ज़ीनोन का जो टेट्राफ्लोराइड है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ज़ीनोन का जो टेट्राफ्लोराइड है वो ज़ीनोन से रिएक्ट कर सकता है, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपके पास, ये ज़ीनोन आपने एक्सेस क्वांटिटी में लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास ज़ीनोन एक्सेस क्वांटिटी में है तो टेट्राफ्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करेगा, अगर आप इसको वार्म कर रहे हो तो ये रिएक्ट करके आपके पास क्या बना देता है, ज़ीनोन का डाइफ्लोराइड, ज़ीनोन का डाइफ्लोराइड बना देता है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल बनेंगे, मैं फिर बता रही हूँ बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब आप इस रिएक्शन को ज़ीनोन डाइफ्लोराइड की प्रिपरेशन रिएक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही रिएक्शन वहाँ पे आप कोट कर सकते हो, रिपीट हो जाएगा, आपको इजीली याद रहेगा, ठीक। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। सबसे पहले ये जो सबकी कॉमन है कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ईजिली सुब्लिमाइन किया जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 117 होता है। गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और एक्सेस ज़ीनोन से रिएक्ट कर सकता है, और रिएक्ट करके क्या बना सकता है, ज़ीनोन का डाइफ्लोराइड। अब लास्ट फ्लोराइड हमारे पास रह गया जी, हेक्सा फ्लोराइड, HEF6 हेक्सा फ्लोराइड। हेक्सा फ्लोराइड की सबसे पहले क्या देखेंगे हम, प्रिपरेशन। हेक्सा फ्लोराइड को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर हम ज़ीनोन का टेट्राफ्लोराइड लें, ठीक है। अगर ज़ीनोन के टेट्राफ्लोराइड को लें और उसको हम रिएक्ट करवा दें डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ एट -130°C पे, -130 पे, तो अगर आप ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड को डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से रिएक्ट करवा देते हो तो आपके पास बनता है ज़ीनोन का हेक्साफ्लोराइड, और साथ में ऑक्सीजन लिब्रेट कर जाती है, ठीक है। ये इसकी प्रिपरेशन का एक मेथड है, एक ही आप इतने बस याद करना है, दो नहीं करने, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ इसकी प्रिपरेशन का मेथड क्या है। अगर आप ज़ीनोन के टेट्राफ्लोराइड को डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से रिएक्ट करवाओ एट -130°C तो आपके पास क्या बनता है, ज़ीनोन का हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है किसकी, ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड की प्रॉपर्टीज़। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ सबसे पहली वही जो सबके साथ कॉमन है कि जी ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर पे इजीली सुब्लिमाइन किया जा सकता है, लेकिन
डाइफ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट था 140, इसका था 117, लेकिन हेक्साफ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है जी, 49.5 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और जब ये मेल्ट हो जाता है तो मेल्ट होने पे ये येलो कलर का लिक्विड देता है, मेल्ट होके ये क्या करता है, येलो लिक्विड देता है। प्रेपरेशन मेथड हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज पहले स्टार्ट की हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कॉमन थी, उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट 49.5 होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो सबके साथ कॉमन हम ले रहे हैं और वो क्या है जी, फ्लोरीनेटिंग एजेंट, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। तो इसका भी मैं अब इसका रिएक्शन नहीं लिखूंगी, यहाँ पे भी रिएक्शन सिंपल वही होगा कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उनको फ्लोरीनेट कर देगा, फ्लोरीन ऐड हो जाएगा। लेकिन याद बस ये रखना है कि अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो हेक्साफ्लोराइड जो है वो गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो कौन ज़्यादा अच्छा फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, हेक्साफ्लोराइड सबसे अच्छा एजेंट होता है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपके पास जो इनकी पावर है वो सिर्फ चेंज होगी, लेकिन इनका जो रिएक्शन है वो भी सेम रहेगा। लिख देती हूँ, हम किस किस को ऑक्सीडाइज करवा रहे थे पीछे, हाइड्रोजन को और Cl- को। पहले हमने डाइफ्लोराइड लिया, फिर टेट्राफ्लोराइड लिया, अब आप हेक्साफ्लोराइड ले लो, तो सेम रिएक्शन होगा आपके पास। ये आपके हाइड्रोजन आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा HF में और खुद ही रिड्यूस हो जाएगा ज़ीनोन में। फ़र्क क्या आएगा, डाइफ्लोराइड था तो कॉमन यहाँ पे 2 लगाया, टेट्राफ्लोराइड आया तो यहाँ 4 लगा, अगर हेक्साफ्लोराइड है तो यहाँ पे क्या होगा, H लग 6 लग जाएगा। इसी तरह क्लोरीन को ऑक्सीडाइज किस में करेगा, Cl2 में, और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, ज़ीनोन में। तो ये आपके पास ज़ीनोन के तीन फ्लोराइड्स थे जो हम लोगों ने देखे हैं, उनकी प्रेपरेशन देख ली, उनकी रिएक्शन देख ली है। इस चैप्टर में से अब मज़ीद जो हमने टॉपिक करना है वो है सिर्फ आपके पास, वो है, इसको रेस करते हैं, मैं टॉपिक का नाम लिखती हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस की जो एप्लीकेशंस है वो तो आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ी नहीं है, आप चाहो तो वहीं से कर सकते हो, ठीक है। मैं टॉपिक का नाम यहाँ लिख देती हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ नोबल गैसेस, एप्लीकेशंस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की एप्लीकेशंस कितनी होती हैं, नोबल गैसेस की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास, इनको जस्ट मैं रीड आउट करूंगी, आप सुनते जाइएगा और हिंट वगैरह जो होगी वो मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी। सबसे पहला जी, इनकी लो डेंसिटी होती है, जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो उनकी लो डेंसिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा ये नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी होती है इनकी, ठीक है, मतलब ये जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल होते हैं। तो जो हीलियम होती है, पहला मेंबर हीलियम, इसको हम यूज़ करते हैं बलून्स में, इसको हम यूज़ करते हैं बलून्स में, लेकिन बच्चों वाले बलून नहीं, ठीक है, वो जो आपके पास एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ होते हैं ना, उसके अंदर हम हीलियम को यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर जो लिक्विड हीलियम होती है, हीलियम गैस है लेकिन अगर आप इसे कंडेंस करते हो तो लिक्विड, इसको लिक्विफाई किया जा सकता है। तो जो लिक्विड हीलियम होती है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट, ठीक है, एज अ कूलेंट सिस्टम्स के अंदर हम इसको एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। लिक्विड हीलियम कहाँ यूज़ की जाती है, इसको हम यूज़ करते हैं लो टेम्परेचर सिस्टम में, एज अ कूलेंट इसको यूज़ किया जाता है लो टेम्परेचर सिस्टम्स के अंदर। उसकी रीज़न क्या है कि हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। इसके अलावा हम हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं इन ब्रीथिंग। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं ना, हमने पढ़ा हुआ कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो अपने जो इनहेलिंग गैस होती है सांस लेने के लिए, वो हीलियम के साथ मिक्स करके लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर वो डिफरेंट होता है डेप्थ के अंदर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम को यूज़ करते हैं उन सिलेंडर्स के अंदर जो डीप सी डाइवर्स लेकर जाते हैं, तो उसके लिए ये उसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो हीलियम का इसके अलावा एक तो ये डीप सी डाइवर्स जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं डीप सी डाइवर्स। इसके अलावा इसका जो मिक्सचर है, हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है, ये एक जगह और भी यूज़ किया जाता है,
ये यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल में, जो जिन पेशेंट को सांस का प्रॉब्लम होता है ना, उनको जो हम उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, हीलियम ऑक्सीजन का मिक्सचर, ठीक है। तो ये हेल्प करती है ब्रीथिंग में, जो पेशेंट होते हैं जिनको सांस का प्रॉब्लम होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो हीलियम होती है वो इजीली पास कर सकती है ऑक्सीजन की निस्बत, अगर हम इसका मिक्सचर यूज़ करें तो ये इजीली अंदर फ्लो कर सकती है। तो डीप सी डाइवर्स के अलावा इनको हम इसको पेशेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनका रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं, जो हीलियम होती है वो गैस थर्मोमीटर में भी यूज़ की जाती है। हीलियम इज़ यूज इन गैस थर्मोमीटर फॉर लो टेम्परेचर मेजरमेंट्स। जहाँ पे हमने लो टेम्परेचर मेजर करना होता है वहाँ पे हम लिक्विड हीलियम को हीलियम को वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम हीलियम को यूज़ करते हैं सिग्नल लाइट में, आपने वो देखे होंगे। हीलियम के अलावा नियॉन साइन बोर्ड्स भी आपने काफ़ी देखे होते हैं, उनमें डिफरेंट कलर की लाइट्स होती हैं, जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो कलर्स के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हीलियम भी जो है वो सिग्नल लाइट में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हीलियम आल्सो यूज इन हीट ट्रांसफर मीडियम। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करें, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हीट ट्रांसफर मीडियम के तौर पे हम हीलियम को यूज़ करते हैं, एज अ हीट ट्रांसफर मीडियम यूज़ करते हैं। कहाँ पे, जहाँ ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, उसकी वजह ये है कि ये हीट को बहुत जल्दी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए हम जो ट्रांसफ़र मीडियम है वो हीलियम का लेते हैं। इसके अलावा हीलियम इज़ आल्सो यूज्ड इन टायर्स ऑफ लार्ज एरोप्लेन्स। इसके अलावा हीलियम को हम यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी हीलियम यूज़ की जाती है। और इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं रॉकेट्स के अंदर, रॉकेट फ्यूल के अंदर इसको यूज़ किया जाता है हीलियम को। और लास्ट वन है आपके पास हीलियम, इसको यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ये कैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं ऐसे एलिमेंट को जिनके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है। तो एक होता है रेडियो एक्टिविटी नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल वो होते हैं जो एलिमेंट्स नेचुरली उनके अंदर से रेडिएशन एमिट होते हैं, और आर्टिफिशियल वो होते हैं जिनको हम खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद हम एक आर्टिफिशियल सीरीज़ बनाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। तो वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है, हीलियम को वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, हमारा सिलेबस जो है वो यहीं तक था। सिर्फ तमाम ग्रुप हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18, इन सब ग्रुप्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। जो हर चैप्टर के अंदर से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमारा यहाँ तक सिलेबस था। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सिलेबस के हवाले से या किसी लेक्चर के हवाले से, मिड के पहले हमने ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, और जो हमारा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सिलेबस था वो मिड से पहले का था, क्योंकि उसमें सारी थ्योरीज हमने डिस्कस करनी थी, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जो मिड के बाद हमने स्टार्ट किए हैं ग्रुप 13, 14 से लेके 18 तक, इन सब में सारे का सारा थ्योरी था, और दूसरा ये सारा लर्निंग है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ याद करना है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ें आपको सिर्फ याद रहेंगी प्रैक्टिस के साथ। अगर आप इन्हें साथ साथ याद नहीं करोगे, साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपके सारे रिएक्शन मिक्स हो जाएंगे। आपको नहीं याद रहेगा कि सल्फर के साथ रिएक्ट करवाया था तो क्या बना था, नाइट्रोजन में किया था तो क्या बना था, ठीक है। तो आप इनको साथ साथ करते जाइएगा, आप लोगों का यहाँ पे सिलेबस वाइंड अप होता है। उम्मीद है आप लोगों को किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हुई भी तो आप लोग पर्सनली पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को करवा दूँगी, ठीक है बच्चों। यहाँ अल्लाह हाफिज़।